बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जो अपने नए ब्लॉग के साथ आपके में खाते हैं और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त रखे और अपने जो मान में रखे। तो जी आज फिर फैक्ट्री वाले खाना खिलाने लगे हैं। तो जी फैक्ट्री वाले ने खाने का इंतजाम किया। ये है जी राजा साहब, आप देख रहे हैं खाना खा रहे हैं। चक्कर साहब बड़े, ये भाई छोटे वीर भी हैं। जैसे मर्जी पै आओ जी। चाचू जी क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक जी। दो प्लेटां दी खानी है आज तो। जरा मैं सबकी स्पेशल जरा ना अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो है ना घर जाके अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देख लो भाई हम इधर खाना खा रहे हैं। मेरी वीडियो के जरिए ना ये देखते हैं। पीछे आ रहे हैं अभी जो बहुत सारे वर्कर हैं नीचे आ रहे हैं। वीडियो क्यों बना यार? वो तो अपना चैनल है। तो भाई अब साथ में दिखाने लगे हैं। वो देख सकते हैं भाई इधर ना सारे कारीगर है ही नहीं है। कारीगर ना सारे चले गए हैं उधर। सारे देखे कारीगर हैं तो कारीगर सिर्फ हमारी साइड पे हैं। हालांकि वही बात हो रही थी, पता नहीं क्यों कारीगर फैक्ट्री में क्यों नहीं इधर आते। हालांकि इतना अच्छा फैक्ट्री वाले सलूक करते हैं ना। तो वो इधर जो मैं बात बताऊं, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इधर जो माहौल है ना ठीक है, वो बड़ा पंखा नज़र आ रहा होगा, वो बड़ा पंखा वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो इधर सुकून है, तो बाहर जितनी गर्मी है अल्लाह तो माफ़ करे, वो पंखे की धूल लगी हुई है ना फैक्ट्री वालों में। यार पता नहीं क्यों नहीं, क्यों अच्छी जगह पे कारीगर नहीं आ रहे। लगे इतना ज़्यादा कारीगर के साथ प्यार करते हैं बहू, बढ़ाते हैं हमारे साथ ना, बड़ा शुगर लगाते हैं। हालांकि कई जगहों पर ना इतना इंतजाम ही कोई नहीं है। बड़ी जगह ऐसी है जहाँ इंतजाम ही कोई नहीं है। पाँव तक पसीना आ रहा है, गर्मी गर्मी है। तो गर्मी में बाहर ऐसे है जैसे तंदूर के किनारे बिल्कुल आपके पास खड़े हैं हम। लो चल रही है लो, पूरे जो है ना पूरे मुंह को तपेरे भर रहे होते गर्मी के ना। तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, यहाँ हमें महसूस ही नहीं होता काम पे। इतना प्यारा माहौल है हमारे काम पर। यार गिलास खाली कर दे। देख भाई मजेदार। ठीक है जी। बंदा खिला दिया।
तो भाई मैंगो वाली दुकान से मैंगो ले रहे थे, देखते हैं उम्मीद है जितनी गर्मी पड़ी अब ये भी मीठे हो गए होंगे।